अमावस की काली रात थी। एक लड़की काम पर से लौटकर सुनसान सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी वहां एक ऑटो आकर रुका। अरे बस कीजिए अम्मा, जितनी आप मालिश नहीं करती ना, उससे तो ये भूतही कहानी सुनाकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। और वैसे भी ना, अब ये कहानी कोई नहीं सुनता है, सब पुराना हो गया है, सब यूट्यूब पे देख लेते हैं। बिल्कुल अपने बाप पर गया है ना, तो वो मेरी कहानी सुनता था न ये सुनता है। भगवान जाने कब और कौन मेरी कहानी सुनेगा, या फिर मेरे साथ ही मेरी कहानी चली जाएगी। अम्मा, आप सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है, फिर भी टाइम से मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं तैयार कर पाती। अरे बेटा, तुम तैयार होकर तो आओ। देखो तुम्हारे जाने से पहले ही पराठा बन गया है। अब मैं शूज पहन चुका हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं लौट के खा लूंगा। अच्छा देखो, पराठे में नमक लगाकर चोंगल बनाए दे रही हूँ, चुपचाप खाते हुए चले जाना। ये क्या है अम्मा, अब मेरे फ्रेंड देख लेंगे तो हंसेंगे मुझ पे। अभी केचुए की तरह मैगी सेंगी खाओगे तब नहीं हंसेंगे। अजीब जमाना आ गया है, अनाज खाओ तो दोस्त हंसेंगे। ओह गॉड, ये कैसे पुराने जमाने की ख्यालात वाली अम्मा हमको दे दी है। कार्तिक, तुम ये बाहर घर के पराठा खा रहे हो? अरे वो क्या, पराठे को घुमा घुमा के उसकी हालत क्या बना दिए हो? अरे तुम्हारे घर में दादी है? नहीं, वो तो पापा के बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तब तुम ये नहीं समझ सकती। चलो और सुनो, ये बात किसी से कहना नहीं। अरे ये दवा भी खत्म हो गई, पता नहीं इस पुराने जमाने की बुढ़िया को ये नई शुगर की बीमारी कहां से लग गई। अम्मा अम्मा अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाना देंगी? मैंगी? अरे मैंगी मैंगी नहीं मिलेगी, जो बना है वही खाओ। अरे अरे मैगी मैगी नहीं, कुछ खाना देंगी, भूख लगी है मुझे। अरे तो हाथ मुंह तो धो, एकदम मलिच हो गए हो। अम्मा एक तो आप ना पराठे का चुंगल बना बना के मेरी बेइज्जती कराती रहती हैं, और मैंगी सैंगी नहीं होता है। हमने आपको कितनी बार बताया है मैगी, ये ऊपर से अंग की बिंदी आप हटा दीजिए, अब मैगी होता है। आप ना किसी दिन मेरे फ्रेंड सामने मेरी बेइज्जती कर देंगी। आते ही घर सिर पर उठा लेते हो, हमारे जमाने में तो बाहर से आकर बिना हाथ पांव धोए कोई पानी भी नहीं पीता था। अम्मा आपको पता नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन आपका जमाना कब का चला गया, अब हमारा जमाना है। अब खाना निकालिए, मुझे कोचिंग जाना है, लेट हो जाएगा। पैसे लेते जाना, कोचिंग से आते समय शुगर की दवाई लेते आना हमारी। अरे ठीक है, लेते आएंगे। शुगर की दवा लेते आना बेटा, कल भूल गए थे, आज भूलना मत। पैसे निकाल दीजिए, मैं लेता आऊंगा। आधी पेंशन तो शुगर के इलाज में ही चली जाती है। ये तो कहो अच्छा हुआ, सवेरे रहते तुम्हारे बाबा ने शहर में फ्लैट ले लिया था।
नहीं तो खाने के भी लाले पड़ जाते। अरे अम्मा आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे जॉब मिलती है ना, सबसे पहले मैं आपके सारे शौक पूरे करूंगा। पहले 10वीं तो पास कर ले, जब तक तुम कमाने खाने लायक होगे ना, हमारे शौक भी ऊपर जा चुके होंगे हमारे साथ। अम्मा आप बिना सोचे खुशखबरी देने लगती हैं। बहुत शैतान बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अबे मंजू नहीं आया हम लोग के साथ? अबे यार वो एक नंबर का इडियट है, पता नहीं क्या कह रहा था, तीन लोगों को जोड़ो फिर उनसे तीन लोगों को जोड़ो। अबे वो पैसे कमाने में बिजी है आजकल। वो जो एमएलए वाला चल रहा है यूट्यूब पे वही। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कल साइंस का टेस्ट है, बंक मारा जाए? साइंस वाली मैम हमारी मम्मी की फ्रेंड है, वो बता देंगी उनको। हमारी मम्मी को जब बताएंगे तब पता चलेगा, और हमारी दादी जैसे हमारा चेहरा देखेंगे ना तुरंत जान जाएंगे हम बंक मारे हैं। तो बहाना मारते ना, इसका दिमाग गायब हो गया है। हमारा नहीं तुम्हारा गायब हो गया है। ये तो पैसे कौन देगा? हम देंगे यार। क्यों? तुम्हारे माँ बाप तुमको पैसा देगा क्या? गरीब समझाए क्या? पॉकेट मनी मिलती है हमको भैया। कितने रुपए हो भैया? 30। अरे 10-10 के खाए हैं, 30 रुपए हुए, दबा के खिलाओ। हमारे ग्रुप में एक अमीर दोस्त है। अम्मा अरे लाइट की इतनी बचत भी ठीक नहीं है कि इतनी सी उम्र में इन नखियों को ऑपरेशन करवाना पड़े। अम्मा ये क्या बात हुई, आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए। मेरा पोता इतना बड़ा हो गया कि अब मुझे नॉक करके आना पड़ेगा? अरे अम्मा अब हमारे हिसाब से हम थोड़ा बहुत तो बड़े हो ही गए हैं, और ये बताइए आप इतनी रात को करने क्या आई हैं? मेरी दवा लाए हो? बुखार तो आपको है नहीं, किस चीज की दवा? शुगर की दवा। इतना भी याद नहीं रहता है तो कहीं लिख लो, नहीं तो चूहे मार दवा ही ले आओगे। अरे माँ वैसे आइडिया तो आपने बहुत सही दिया है, लेकिन वो क्या है कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए चलो जाने देते हैं। बहुत शैतान बच्चा है तू, मगर तेरे लिए ही तो जिंदा हूँ। यार ये कार्तिक की वजह से डेली प्रेयर छूटती है हम लोगों की। यार वैसे भी सबके साथ प्रेयर करने से कौन से भगवान जी हमारा सुन लेंगे। तुम लोग इसलिए प्रेयर के टाइम नहीं पूछते हो, तुम लोगों को याद नहीं है कि सर कहीं तुम लोगों को माइक पर बुलाने आ ले। एक बात कहे जो, हाँ हमको लगता है कार्तिक तुमको मन ही मन पसंद करता है। ये प्रेयर वाली बात के बीच में पसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई? और आज पार्टी कौन दे रहा है? तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? अरे यार वो अम्मा ने धुल दी थी ना रात में, तो सूखी नहीं यार, कल बारिश भी हो गई थी। क्लास चलो क्या, डेली बंक ही करते रहोगे? हाँ किसी दिन क्लास टीचर फोन करने ही वाली है हम लोगों के पेरेंट्स को। ओहो तहरी यही है वाला टिफिन। अपना करो टिफिन। एक मिनट, ये तुम दोनों का टिफिन सेम कैसे, साथ में खरीदे थे क्या? और जब इसका बर्थडे था ना तुम यही वाला टिफिन उसको गिफ्ट किए थे। मुझे तो कभी ना किया गिफ्ट। जब तुम्हारी दोस्ती हम दोनों से नहीं थी और तुम मिस प्रियंका के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, उस जमाने में इन्होंने मुझे ये टिफिन गिफ्ट में दिया था। अब अपना काम करो तुम। तो क्या है ना, तब इसको सच्चा वाला प्यार नहीं हुआ था। अच्छा ये बताओ
कल क्लास में बहाना क्या मारना है? यार वैसे कुछ सोचे तो है नहीं, रैंडम आएगा तो बोल देना। देखो ये सब हमको नहीं पता, हमको रात में व्हाट्सएप कर देना ठीक है, और उसमें लिख देना जो बहाना होगा, वरना मैं वहाँ सब बोल दूंगा फिर। वो सब तो ठीक है, हमको क्या बताना है मैम से? अरे तुम वो, अरे तुम्हारी दादी तो वैसे भी नहीं ना, बोल देना कि दादी नहीं रही और क्या। तुम पागल वागल हो क्या? ये साइंस वाली मैम हमारी मम्मी की फ्रेंड है, फोन ही कर देंगी। तो बोल देना मेरी दादी खत्म हो गई, वहां चले गए थे। ये सही है, ये सही है, पक्का यही बोलेंगे। हाँ लेकिन तुम थोड़ा सा चेहरा रोने टाइप बना देना, ऐसे वाला चलेगा? Leave your highness and did it to the minister's occasions to these gentlemen who are of such sensibles and nimble lungs that they always used to laugh at nothing. Karthik, beta doodh pee lo fir padhai karna. Thank you amma. Meri dawai laye ho? Oh amma, kya hai ki स्कूल में पढ़ाई का इतना लोड देते हैं ना, कुछ याद ही नहीं रहता है। बेटा कल याद से ले आना, अब इस बीमारी से डर लगने लगा है। अरे अम्मा पुरानी हड्डियों वाली हैं आप, कुछ नहीं होगा आपको, एंजॉय योर लाइफ। किसकी वाइफ? अरे आप तो रहने दीजिए अम्मा, हम लाइव बोल रहे हैं, आपको वाइफ सुनाई दे रहा है। एक काम करते हैं, कल सुबह डॉक्टर के पास लेके आपके कान की मशीन ले आते हैं। अब तो बस भगवान के बुलाने की आवाज सुनाई पड़ेगी। बेटा कार्तिक, ये स्कूल में ऐसी कौन सी नई क्लास होने लगी है जहाँ कपड़े बदलवाए जाते हैं बच्चों के? अब पक्का फंसा मैं, क्या करूं क्या करूं। एक काम करता हूं, इग्नोर मार देता हूं। बेटा आज अस्पताल चलते हैं, दोनों लोग कान की मशीन साथ में खरीदेंगे। क्या हुआ अम्मा? पूछ रही हूँ कि स्कूल में ऐसी कौन सी नई क्लास होने लगी है जहाँ बच्चों के कपड़े बदलवाए जाते हैं? अच्छा वो चलिए मैं बताता हूँ, आइए इधर आइए। वो क्या है कि ये कल रात को हमने बैग में रखे थे, वो मेरा एक दोस्त है ना, वो बहुत गरीब है, उसके मामा की शादी है, तो उसको उस पहनने को नहीं था, तो मैंने कहा था मेरी स्वेटशर्ट ले लो। तो बेटा थोड़े अच्छे कपड़े रखते, ये तो पुराना हो गया है। अरे मैं उसको बोल दूंगा कि अम्मा ने मना किया है, छोड़ो। अरे बेटा गरीब की मदद खुशी खुशी करना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की मदद कर सके, और ऐसा नहीं कि मदद मांगनी पड़े। अच्छा बहुत हो गया अम्मा, आज आप तैयार है ना, आज हम आपको अपने एक स्पेशल फ्रेंड से मिलवाएंगे। पता है जूही, अम्मा तुमसे आज मिलकर ना बहुत खुश हो जाएंगी, वो काफी टाइम से तुमसे मिलना चाह रही थी। अम्मा को पता है कि मैं तुम्हारी 3 साल से फ्रेंड हूँ। अरे तुम इतनी पुरानी दोस्त हो, भला उनको ना पता होता, तुम भी ना। जूही अम्मा से नमस्ते कर लेना। लगता है बच्चे आ गए। नमस्ते अम्मा। ये क्या है? आप अंदर चलिए अम्मा, बताते हैं। जूही तुम यहाँ पर बैठो, मैं बैग रख कर आता हूँ। तो कोई दोस्त मुझसे मिलने आने वाला था?
हाँ तो जोही मेरी फ्रेंड है अम्मा। ये तो लड़की लग रही है। तो अम्मा क्या, अब आजकल लड़कियां भी फ्रेंड होती हैं। कितनी देर में जाएगी? चुप रहिए, चलिए चलिए चलिए। अम्मा जूही पहली बार हमारे घर आई है, कुछ पानी वानी दीजिए। ये हमसे मिलने आई है तो हम यहाँ बैठेंगे, तुम जाओ पानी वानी लेकर आओ। नहीं माँ, पानी वानी रहने दीजिए, वो मैथ की बुक दे दो, चलते हैं। अरे जूही रुको दो मिनट, अभी तो आई हो। ये कह रहा था तुम इसकी फ्रेंड हो? हाँ माँ। अब आंटी, अम्मा हम सिर्फ इसकी है और फिर अपनी पोतों की होंगे। क्या बोल रही हूँ आंटी, हम चलते हैं। हाँ हाँ, मैं तो कब से कह रही हूँ, और वैसे भी घर पे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या अम्मा अभी ना, सॉरी जूही, वो अम्मा थोड़ी पुराने ख्याल आती है ना। वो किताब भी नहीं थी, वो तो ली नहीं। बाय जूही। अम्मा अब चली गई ना बेचारी, आप भी ना। वो दो दिन की मिली छोकरी बेचारी हो गई। जूही अब तुम पक्का गुस्सा नहीं हो ना? नहीं यार, लेकिन अगर तुम्हारी अम्मा की उम्र 60 साल से कम होती तब मुझे पक्का गुस्सा आती। ऐसा क्यों? सुना है इंसान 60 साल का होते होते सटिया जाता है ना। अच्छा, तुमको ही पता चल गया कि हमारी अम्मा सटिया चुकी है। 26 जनवरी को स्कूल जाके भोपुरे बता देना कि तुम्हारी अम्मा सटिया गई है। अम्मा ये क्या था, हम नॉर्मली बात करते हैं तब तो आपको सुनाई नहीं देता है, और जो चीज आपको नहीं सुनी वो आप दूर से भी सुन लेंगी। हमको सब सुनाई देता है, बस तुम्हें लक्षण नहीं ठीक दिखते हमको। अरे अम्मा अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन, और अगर आप भी नाराज हो जाएंगी तो फिर हम किसके साथ खेलेंगे? आर्यन कितनी देर में आएगा? ये चॉकलेट तुम्हारे लिए, अम्मा के पैसों की है। थैंक यू। वैसे अम्मा के पैसों की है मतलब? अरे वो अम्मा दवाइयों के लिए पैसा देती थी, हम दवा ले जाना ही भूल जाते थे। गलत बात है ये, किस चीज की दवा मंगाई थी अम्मा? अरे वो एक दो हफ्ते पहले मंगाई थी, इतने दिन में तो बीमारी ठीक हो जाती ना। गलत है ये, अगर दोबारा तुम ऐसे काम करोगे तो फिर हम चॉकलेट तुम्हारे सामने फेंक। अरे शांत, चलो एक चाल खेलते हैं। अरे आधा घंटा भूल गए थे तो देख लो, एक घंटा होने को अभी तक नहीं आए। लाल पीली हम लेंगे, हम पहले बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ये दो हमारी हैं। अरे यार यार मेरा 6 क्यों नहीं आता है? तुम चाहते हो कि एक ही बार में तुम्हारे में 6 आ जाए? यस 6। रुको एक ना, रुको फिर से चलो, हम देख नहीं पाए थे और तुमने शायद गोट बदल दिए। ये ईवीएम थोड़े है जो हम बदल देंगे। और नल्लो कहाँ ईवीएम की बातें चल रही हैं? चलो आर्यन आ गया, अब चाल फिर से शुरू करेंगे, आ जाओ। ओ चॉकलेट, अकेले अकेले खाई जाएगी चॉकलेट। ए, ये उसकी चॉकलेट, उसको दो तुम। अबे यार इसमें ना बहुत शुगर होती है, अकेले नहीं खाई जाती है। लो गुड गर्ल, तुमको पता है हमारी चाची चॉकलेट बहुत खाती थी और दवाई उनको टाइम से खाना याद नहीं रहता था, बस निपट गई। शुगर ये पकड़ो। क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारे पास 100 रुपए हैं क्या? मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। 50 है। क्या हुआ, क्या है? अबे क्या हुआ, इसको क्या हुआ है? बैठी तुम उसके साथ थी इतनी देर से, तुमको पता होगा ना। उससे तो कुछ नहीं बताया है, इसके घर चलोगे? चल। इसको मार देते हैं। अम्मा अम्मा
अम्मा अम्मा थैंक गॉड। अम्मा अम्मा कार्तिक कार्तिक अम्मा कहाँ हो भाई अम्मा कार्तिक अम्मा कार्तिक यहाँ है अम्मा जोई अम्मा कुछ बोल नहीं रही है अम्मा क्या हुआ अम्मा को अम्मा अम्मा उठो ना अम्मा अम्मा को बीपी शुगर है क्या शुगर है अम्मा को उसी की तो दवाई लेने गए थे अम्मा मेरी मम्मी को भी बीपी और शुगर है हमको लगता है लो हो गया बीपी शुगर वो सोते सोते बेहोश हो जाती हैं तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है डॉक्टर के पास लेके चले क्या अम्मा को हमको लगता है लो हो गया है शुगर और बीपी तुम चीनी और नमक का घोल ले आओ अम्मा अम्मा तुम्हारा अम्मा 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 कार्तिक कार्तिक अम्मा ठीक अम्मा उठिए रुकिए ये पढ़ो अम्मा अम्मा ये इसको भेजिए बेटा मेरी एक बात मानेगा माँ उस हादसे के बाद ना मुझे आपकी वैल्यू पता चल गई अब आप जो कहेंगे मैं मानूंगा योर विश इज माय कमांड अच्छा मुझे वो पसंद है वो कौन अम्मा अरे वही जिसने मुझे पहली बार अम्मा कहा था आप भी ना चलिए चल जल्दी से बोली कहानी सुनाइए ना अमावस की काली रात थी एक लड़की काम से लौटकर सुनसान सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रही थी तभी Thank you.